नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देश में कोरोना वायरस ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में आपको कोरोना वायरस से जुड़ी हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताया था। इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि दुनिया में हर्ड इम्यूनिटी के रास्ते पे जाने वाले देशों को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आगे भी हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस और हमारी त्वचा के बारे में। दुनिया के अनेक देशों के तमाम प्रयासों के बावजूद कोरोना वायरस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन शोधकर्ता अपनी अध्ययन के नतीजे लेकर सामने आते हैं, जिससे इस बीमारी के बारे में हमें नई नई बातें पता चलती हैं। ये बातें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि इतने महीने बीत जाने के बाद भी हम इस बीमारी के बारे में कितना कम जानते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के हवाले से कई शोध के जरिए बताया जा चुका है कि वायरस कौन सी सतह पर कितनी देर तक जिंदा रह सकता है, मगर अभी तक ये बात सामने नहीं आई थी कि वायरस इंसानी त्वचा पर कितनी देर तक जीवित रह सकता है। दरअसल, वैज्ञानिकों ने लैब परीक्षण के जरिए इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस के त्वचा पर ठहरने का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है। शोध के हवाले से उन्होंने पता लगा लिया है कि आपकी त्वचा कोरोना वायरस की सबसे बड़ी वाहक यानी कैरियर हो सकती है। यूएस आर्मी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ने जुलाई में ये शोध किया था। शोध के बाद बताया गया कि त्वचा, खासकर हाथ की त्वचा पर कोरोना वायरस 8 घंटे से 14 दिनों तक रह सकता है, और त्वचा पर कोरोना वायरस के रहने में तापमान की बड़ी भूमिका होती है। इस शोध के मुताबिक त्वचा पर कोरोना वायरस 37 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 8 घंटे तक रह सकता है, जबकि अगर उसे 22 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिले तो त्वचा पर उसके ठहरने का समय 22 घंटे हो सकता है। वहीं 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कोरोना वायरस के रहने का समय 14 दिनों तक हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जितना ज़्यादा तापमान कम होगा, त्वचा पर कोरोना वायरस के रहने का समय उतना ज़्यादा बढ़ेगा। शोध को क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज में प्रकाशित किया गया है। इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस का अध्ययन कर यह बताया गया कि त्वचा पर कोरोना वायरस 9 घंटे तक रह सकता है, जबकि इन्फ्लुएंजा वायरस त्वचा पर रहने के 2 घंटे बाद निष्क्रिय हो जाता है। दोस्तों, इस अध्ययन में कोरोना वायरस को ख़त्म करने में हैंड सैनिटाइजर की भी बड़ी भूमिका पाई गई है। शोध के मुताबिक, जब 80% एथेनॉल वाले हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया तो इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस त्वचा से 15 सेकंड के अंदर निष्क्रिय हो गए। शोधकर्ताओं का कहना है कि 80% अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल शरीर के अंगों में दाखिल होने से पहले कोरोना वायरस को मारने में बेहतरीन साबित होगा। उनका यह भी कहना है कि साबुन और पानी से 2 मिनट का हाथ धोना भी प्रभावी हो सकता है, इसलिए कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए नियमित हाथ की साफ सफाई करनी चाहिए। दोस्तों, हम ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।